हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मैं हूं आपका एग्जाम पार्टनर प्रवीण सिंह राजपुरोहित। और आज अपन देखने वाले हैं क्या नंबर सिस्टम का पहला जो आपका नंबर है वो है आपका द डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम और सिग्नल्स के बारे में नहीं देखा है वीडियो, तो जाओ देख लो। मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो को अपलोड कर दिया है और वहां पे मैंने काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज सिग्नल्स, देन व्हाट इज डिजिटल सिग्नल्स, और वहां पे एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, सारा मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नहीं देखा है तो जाओ देखो, बेसिक फंडा क्लियर करो। उसके बाद में अगर आप इस वीडियो पे आता हो तो आपको वहां पे काफी अच्छा खासा लिंक मिल जाएगा उन दोनों वीडियो को मिला के। ठीक है, तो चलो अपन आज का वीडियो शुरू करते हैं जो रहेगा आपका डेसिमल नंबर के ऊपर। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपका नंबर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जो है आपका डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, उसके तीन पॉइंट लिखे हुए हैं और उसके बारे में उसके आगे फिर मैंने कुछ डेसिमल्स नंबर लिए हुए हैं, उनको मैंने यहाँ पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। कैसे कन्वर्ट किया है वो अपन आज की वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इट यूजेज द बेस ऑफ 10। यानी आप मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि डेसिमल नंबर जब भी आपको बोला जाएगा तो समझ जाना कि वो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 10 से। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके बेस में अगर 10 लिखा हुआ है तो समझ जाना कि वो नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि वो नंबर आपका डेसिमल नंबर है। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, पक्का? ठीक है, तो वहां पे पहला पॉइंट क्या बोलता है, इट यूजेस द बेस ऑफ 10। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अ डिजिटल इज ऑफ अ डिजिट इज 9। मतलब क्या बोला कि जो आपका जो टोटल नंबर ऑफ डेसिमल नंबर है उसमें आपका जो लार्जेस्ट नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर होगा, वो क्या उसको वो क्या होगा, अपना 9 नंबर होगा। ठीक है, तो 9 कैसे होगा, ये देखो आपके यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो अगर आप 0 से काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे 10 हो गए। मतलब क्या हुआ कि वो अपना डेसिमल नंबर है और मैक्सिमम नंबर क्या है यहाँ पे, अपना 9 नंबर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, द डेसिमल नंबर। समझ में आया, ये इसका वहां पे बेसिक छोटा सा शॉर्ट पार्ट है जो आपको अगर आपको पूछा जाए कि डेसिमल नंबर क्या होता है तो आप ये तीन पॉइंट लिख लो और थोड़ा सा वहां पे एक्सप्लेन कर दो कि डेसिमल नंबर का डेफिनेशन लिख के, तो वहां पे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एक चार्ट के ऊपर जो आपके सामने एक डेसिमल नंबर है और उसका एक बाइनरी कन्वर्जन लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर्स देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 0 से लेके 15 तक लिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से लेके फिर यहाँ पे 15 तक लिया। अब मैंने क्या किया, ये हो गया मेरे क्या डेसिमल नंबर्स। ठीक है, देखो होता तो यहाँ पे खाली 9 तक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 9 तक लिया। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिया हुआ है थोड़ा आपको समझाने के लिए। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 0, अब ये मेरा बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर जब आपको बोला जाएगा तो समझ आना कि वहां पे आपके सिर्फ दो नंबर होंगे, कौन से, 0 और 1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो 0, 1, 0, 1, 0, 1, इस पूरे इसमें इस पूरे कॉलम में आपको खाली 0 और 1 ही दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना कोई और नंबर, खाली क्या दिख रहे हैं, 0 और 1। तो समझ जाना कि जब भी आपको बाइनरी नंबर बोला जाएगा तो वहां पे खाली दो नंबर यूज होंगे, कौन से, 0 और 1। और 0 और 1 वो कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नंबर बाइनरी नंबर में नहीं आ सकता है। देखो ना, बाइनरी मतलब क्या हुआ, बाय मतलब क्या हुआ, 2, तो 2 मतलब नंबर कौन कौन से हुए, 0 और 1। अब 0 1 आप वहां पे कितनी बार भी लिखो वो अपने को उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा नंबर वहां पे आना नहीं चाहिए अपने को। तो देखो डेसिमल नंबर ये है मेरा, बाइनरी नंबर क्या है मेरा यहाँ पे, देखो 0 के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 बिट से मैंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे 4 डिजिट आ गए, तो 0 के लिए मेरा बाइनरी नंबर क्या होगा, 4 टाइम्स 0। समझ में आ रही तरीके से, अब कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2:0, 2:1, 2:2, 2:3। तो 2:0 मतलब कितना हुआ, 1 हो गया, 2:1 मतलब कितना हुआ, 2 हो गया, 2:2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 2:3 कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर। तो याद रखना, जब भी आपको यहाँ पे नंबर निकालना होगा 0 का, अगर आपको बाइनरी नंबर निकालना है तो 1, 2, 4, 8, इसका ये क्या आएगा, 2:4 मतलब कितना आएगा, 16, फिर आएगा 32, फिर आएगा 64, फिर आएगा 128, फिर आएगा 256। इस तरीके से यहाँ पे आपका लेफ्ट टू राइट आपका एक यहाँ पे 2:n का पावर चलेगा। तो देखो अब 0 निकालना है, तो 0 के लिए देखो कैसे आ सकता है, 2:0 कितना हो गया, 1, बराबर, 2:0 कितना हो गया, 2:1 कितना हो गया, 2, 2:2 कितना हो गया, 4, 2:3 कितना हो गया, 8। यानी यहाँ पे आपका कुछ 0 के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 के लिए अपना क्या हुआ, पूरा पूरा आंसर बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। अब ये जो 1, 2, 4, 8 है किसके लिए, 0 के आगे वाले सारे डेसिमल नंबर्स के लिए। तो अब अपन क्या करेंगे, 1 नंबर के लिए देखते हैं। तो देखो अपने को डेसिमल नंबर कितना गिवन है, 1 गिवन है, बराबर। तो अपने को बाइनरी इसका बाइनरी फॉर्मेट निकालना है 4 डिजिट में। तो देखो 2:0 कितना हुआ, 1, तो जहां पे 1 आ रहा है उसके वहां पे अपन क्या लिखेंगे, यहां पे देखो 2:0 कितना हुआ, 1, बराबर। तो ये अपना क्या आ गया, 0, तो
यहाँ पे, सॉरी ये वाला पार्ट। हाँ, अब वन के लिए अपने को जहां पे वन आ रहा है वहां पे अपन क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे। तो देखो डेसिमल नंबर क्या है मेरा, वन है, तो जहां पे जो नंबर रिप्रेजेंट करेगा उसके वहां पे लिखेंगे वन। और जिस नंबर को अपन यहाँ पे देखो 1 2 4 8, इसमें जो नंबर अपन एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं उसके बदले अपन क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो देखो वन कहाँ पे आ रहा है, 1 2 4 8 में वन यहाँ पे आ रहा है, तो ये लिखा मैंने वन, बाकी टू के बदले जीरो, फोर के बदले जीरो, एट के बदले जीरो। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा बाइनरी फॉर्मेट है वन के लिए। समझ में आया? ठीक है, अब आता है सेकंड नंबर के लिए। तो सेकंड नंबर क्या है मेरा, अब देखो टू निकालना बराबर, तो 1 2 4 8, इस नंबर में देखो कहां पे टू आ रहा है, ये आ गया मेरा टू। तो टू के जो जगह है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ वन लिखूंगा, और बाकी 8 4 और वन के बदले क्या लिखूंगा, जीरो जीरो जीरो। तो टू के लिए मेरा जो बाइनरी फॉर्मेट है ये आ गया मेरा पूरा 0010। समझ में आया अच्छी तरीके से? ठीक है, अब आते हैं थ्री नंबर के ऊपर। तो अब थ्री निकालना है, 1 2 4 8, तो यहां पे अपने को थ्री तो मिल नहीं रहा, राइट? तो अपन क्या करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे किसी नंबर का कि अपने को थ्री मिलना चाहिए। तो 1 प्लस 2 करूंगा तो कितना मिलेगा, थ्री मिलेगा। और 4 और 8 के लिए अपने को यहाँ पे कुछ जरूरत भी नहीं बिल्कुल। तो अपन क्या करेंगे, 8 और 4 का जो जगह है वहां पे अपन लिखेंगे क्या, जीरो जीरो। और कौन से नंबर को मैंने ऐड किया है, 2 को और 1 को, तो 2 प्लस 1 करूंगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 2 को भी मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, और 1 को भी मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। यहाँ पे समझ में आया यहाँ पे अच्छी तरीके से, पक्का? ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ वाले के ऊपर। अब फोर निकालना है तो 1 2 4 8, तो 4 के बदले क्या आ जाएगा, खाली देखो 4 के बदले अपने को आएगा यहाँ पे 1, और बाकी ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। समझ में आ रहा अच्छी तरीके से, पक्का? ठीक है, अब आ जाओ फिफ्थ नंबर के ऊपर। अब फाइव निकालना है तो 1 2 4 8, तो 1 2 4 8 में अपने को 5 कैसे आएगा, 4 और 1 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 मिलता है। तो 8 और 2 के बदले क्या आएगा, 0। तो देखो ये आ गया 0, ये 1 0 1, तो ये आ गया देखो 0 1 0 1। अब आ जाओ सिक्स के ऊपर, सिक्स से निकलेगा 4 प्लस 2, यानी यहां पे 1 1 आएगा, यहां पे 0 0 आएगा, तो ये आ गया 0 1 1 0। अब निकालना है क्या, सेवन, तो सेवन कैसे निकलेगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो 8 का जो प्लेस होगा वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा बराबर। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 8 के बदले 7 है, तो ये 8 के प्लेस पे आ गया 0, बाकी तीनों जगह आ गया 1 1 1 1। समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, अब आ जाओ 8 के ऊपर, 8 निकालना है तो 8 के प्लेस पे आ जाएगा 1, बाकी तीनों प्लेस पे आ जाएगा 0। अब आ जाओ 9 के ऊपर, 9 निकालना है तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 और 2 की जगह पे क्या आएगा, 0 0 आएगा, तो ये आ गया 1 0 0 1। हुआ क्लियर अच्छी तरीके से कि डेसिमल नंबर गिवन होगा और बाइनरी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, पक्का? ठीक है, चलो अब लास्ट के जो 10 to 15 बचे हुए इसको भी थोड़ा अपन फटाफट निकालते हैं। ठीक है, तो साथ साथ यहाँ पे बोलते जाना। अब 10 है तो 10 कैसे करेंगे, 1 2 4 8 है तो किसको ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 को, तो 10 मिलता है। तो 4 और 1 का जो प्लेस है वहां पे क्या आएगा, 0 0। तो यह आ गया देखो यहाँ पे 8 की जगह आ गया 1, 4 का आ गया 0, 2 का आ गया 1, 1 का आ गया 0। अब निकालो 11 के लिए, 11 कैसे निकलेगा, फटाफट बोलो, 8 प्लस कित क्या करेंगे, 2 10 हुआ, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो 8 2 1 क्या पे आएगा, क्या 1 4 क्या पे आएगा, 0। तो ये आ गया मेरे यहाँ पे 1 0 1 1। अब आ जाओ 12 के ऊपर, 12 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 8 प्लस 4 करेंगे तो कितना मिलता है, 12 मिलता है। तो 2 और 1 के बदले क्या आएगा, 0। तो 8 की जगह पे आ गया 1, और 4 की जगह पे आ गया 1, 2 की जगह पे आ गया 0, 1 की जगह पे आ गया 0। अब आ जाओ 13 के ऊपर, 13 कैसे निकलेगा, 8 प्लस 4 कितना, 12 हो गया, 12 प्लस 1 करेंगे तो 13 होता है। तो 2 के बदले खाली 0 पुट करना है, बाकी तीनों जगह पे 1 1 पुट करना है, तो 1 1 0 1 आ गया। पूरा क्लियर अच्छे तरीके से, पक्का, श्योर? अब आ जाओ 14 के ऊपर, 14 कैसे निकलेगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, अब +1 15 हो जाएगा, तो अपने को 14 मिल चुका है। तो 1 के बदले खाली 0 पुट कर दो, 8 के यहाँ पे 1 पुट कर दो, 4 के यहाँ पे 1 पुट कर दो, 2 के यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो ये आ गया 1 1 एंड 1, ये आ गया मेरा 0। समझ में आ रहा है तरीके से, पक्का? ठीक है, अब आ जाओ 15 के ऊपर, तो 15 कैसे निकलेगा यहाँ पे अपना, अब 15 निकालना है तो 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14, 14 प्लस 1 करेंगे तो कितना, 15। मतलब 8 की जगह पे 1 आएगा, 4 की जगह पे 1 आएगा, 2 की जगह पे 1 आएगा, और 1 की जगह पे अपना बाइनरी नंबर 1 आएगा। मतलब यहाँ पे अपना हुआ 1 1 1 1। समझ में अच्छी तरीके से? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 0 से लेके 15 तक आपको कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म को, वो आपको यहाँ पे पता होना कंपलसरी है। और सिंपल सा आपको यहाँ पे एक याद रखना ध्यान में, जो आपको बेसिक बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान में रखना ही है हमेशा, वो है क्या आपका ये वाला पार्ट, 1 2 4 8। अब 8 के आगे क्या आएगा अपना, 8 के यहाँ पे क्या आएगा, 16, 16 के आगे 32, 32 के आगे अगेन 64, 64 के आगे 128, और 128 के आगे 256। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि अगर 15 नंबर से अगर मान लो वहां पे अगर आपको
ज्यादा नंबर्स गिवन हो, ठीक है, जैसे 30 हो गया, 45 हो गया। अब देखो, अब वो नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, 9। लेकिन अब यहाँ पे इन नंबर्स को तो मैं कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ ना, मतलब 567, 789, 945, 532, इस तरीके से मैं उसको कॉम्बो बना के वहां पे उसका बाइनरी नंबर मैं निकाल सकता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, आने वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे क्या डेसिमल नंबर से अपने को बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इसके जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्बिनेशन वाले, जैसे अपने अपने तो सिंगल नंबर के लिए लिया 0, 1, 2, 3 के लिए, अगर मान लो आप को गिवन होगा 999, 545, 575, 625, तो उनके बाइनरी नंबर कैसे निकालना है वो अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे, समझ में। और बाइनरी नंबर के ऊपर भी अपन कोई अच्छा खासा एक वीडियो देखेंगे जहां पे अपन पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर एक्जैक्टली होता क्या है, कैसे उसको वहां पे अपने को पढ़ना चाहिए। तो ये था क्या डेसिमल नंबर के बारे में पूरा पूरा जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट तो सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत, क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस है जो DELT में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।